क्या आप जानते हैं कि किसी लोको पायलट को कैसे पता चलता है कि आगे कोई स्टेशन आने वाला है और इधर ट्रेन रोकनी है या नहीं? अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। इसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि रेलवे में यूज होने वाले इन अलग अलग सिग्नल्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि इन्हीं सिग्नल्स की वजह से लोको पायलट को पता चलता है कि आगे स्टेशन आने वाला है। ये है डिस्टेंस सिग्नल। जब भी कोई स्टेशन आने वाला होता है तो सबसे पहले लोको पायलट को ये डिस्टेंस सिग्नल मिलेगा, जो कि एक परमिसिबल सिग्नल होता है। इस सिग्नल में कोई रेड लाइट नहीं होती, इसलिए यहाँ लोको पायलट को ट्रेन रोकनी नहीं होती। ये सिग्नल बस आगे मिलने वाले सिग्नल की पोजीशन को बताता है। ये नॉर्मली हमेशा डबल येलो लाइट को शो करता है। लोको पायलट डबल येलो सिग्नल को देखते ही ट्रेन की स्पीड को कम करना शुरू कर देते हैं। डिस्टेंस सिग्नल के 1 किलोमीटर के बाद इनर डिस्टेंस सिग्नल मिलता है, जो कि एक सिंगल येलो लाइट को शो करता है और इसमें भी कोई रेड लाइट नहीं होती। और जब स्टेशन मास्टर की तरफ से होम सिग्नल क्लियर हो जाता है, जो कि इस सिग्नल के काफी आगे होता है, तब ये सिग्नल ग्रीन या फिर डबल येलो शो करने लगता है। इसका मतलब ये है कि आगे मिलने वाला होम सिग्नल या तो सिंगल येलो है या फिर सिंगल येलो के साथ रूट इंडिकेटर है, जो कि प्लेटफॉर्म की पोजीशन को बताता है। इसके बाद जो तीसरा सिग्नल मिलता है वो है होम सिग्नल, जो कि एक स्टॉप सिग्नल होता है, जिसमें रेड येलो येलो प्लस रूट इंडिकेटर और ग्रीन लाइट लगी होती है। इस सिग्नल के 180 मीटर के बाद स्टेशन यार्ड शुरू हो जाता है। इस सिग्नल को स्टेशन मास्टर अपने सिग्नल पैनल से कंट्रोल करते हैं। अगर सिग्नल रेड होता है तो लोको पायलट को वही ट्रेन रोककर सेक्शन क्लियर होने का वेट करना होता है। अगर होम सिग्नल सिंगल येलो होता है तो लोको पायलट को मेन लाइन से होकर स्टार्टर तक जाकर रुक जाना होता है। अगर सिग्नल सिंगल येलो के साथ रूट इंडिकेटर है तो लोको पायलट को लूप लाइन से जाकर स्टार्टर पॉइंट तक पहुंचकर रुक जाना होता है। अगर होम सिग्नल ग्रीन होता है तो उन्हें ट्रेन को फुल स्पीड में बिना रुके निकलना होता है। ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि आगे स्टार्टर और ग्रैंड स्टार्टर ग्रीन ही मिलेगा। तो इसी तरह से सिग्नल को देखकर लोको पायलट को पता चलता है कि आगे कोई स्टेशन आने वाला है और उन्हें यहाँ पर रुकना है या निकल जाना है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।